हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मेडिकल विद नर्सिंग ऑफिसर। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ब्रीच प्रेजेंटेशन। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं ओपी, दैट इज ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर, एंड नॉर्मल पोजीशन जो होते हैं दैट इज ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन को। आज हम डिस्कस करेंगे ब्रीच प्रेजेंटेशन को, जो कि एक माल पोजीशन है एंड ये वर्टेक्स के अंदर ही आती है, बट इसके अंदर सिफेलिक पार्ट नहीं बल्कि पोडेलिक पार्ट जो होता है वो पहले डिलीवर होता है, राइट। तो इसको डिस्कस करेंगे एंड इससे पहले की वीडियो जरूर देखना, उसमें ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर और एंटीरियर डिस्कस करा हुआ है, तो वो पहले आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपको समझ आएगा अच्छे से। उनके लिंक में यहाँ आई बटन आएंगे, यहाँ पर दे दूँगी दोनों का। सो चलते हैं आगे। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। सो एज़ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन दैट द डायग्राम, दिस इज़ ब्रीच प्रेजेंटेशन। एंड ब्रीच में भी दो टाइप का ब्रीच होता है, एक होता है कम्प्लीट ब्रीच और एक होता है इनकम्प्लीट ब्रीच। सो यूट्रस के अंदर जब फीटस होगा तो वो इस तरीके से होगा, ये है ब्रीच का एंड दिस इज़ दी नॉर्मल, राइट। तो नॉर्मल के अंदर क्या है, ऑक्सीपिट जो है वो नीचे की साइड है, बट ब्रीच के अंदर क्या है, जो उसका पोडालिक पार्ट है, जो उसके बटक्स है, जो उसका एक्सटर्नल जेनिटेलिया है या फिर उसका लेग भी हो सकते हैं, वो पहले डिलीवर होते हैं। सो इस फिगर से आपको जो डिफरेंस है वो पता चल गया होगा, राइट। तो अब बात कर लेते हैं ब्रीच प्रेजेंटेशन की। तो ब्रीच प्रेजेंटेशन के अंदर जो लाई होगा वो लॉन्गिट्यूडनल ही होगा, लेकिन जो पोडालिक पोल है वो प्रेजेंट होगा पहले, ठीक है। पेल्विक प्रीम में पोडालिक पोल पहले डिलीवर होता है, ना कि सिफेलिक। देन इट इज़ द मोस्ट कॉमन माल प्रेजेंटेशन। जो ब्रीच प्रेजेंटेशन है वो क्या है, एक कॉमन सी माल प्रेजेंटेशन है। वैसे तो माल प्रेजेंटेशन के अंदर हमारे कौन कौन से आते हैं, ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर आता है, देन हमारा ब्रो प्रेजेंटेशन आता है, फेस प्रेजेंटेशन आता है, सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो ये बात हो गई ब्रीच की। देन ब्रीच के अंदर टाइप्स होते हैं दैट आर, जो मैंने आपको बताया भी कि इसके अंदर होता है कंप्लीट ब्रीच, इनकम्प्लीट ब्रीच। देन इनकम्प्लीट ब्रीच के अंदर भी टाइप्स होते हैं। इनकम्प्लीट ब्रीच का एक टाइप होता है फ्रैंक ब्रीच, दूसरा होता है नी ब्रीच, तीसरा होता है फुटलिंग ब्रीच। सो फर्स्ट इज योर कंप्लीट ब्रीच। सो कंप्लीट से क्या पता चल रहा है कि नेम से पता चल रहा है कंप्लीट ब्रीच होगा, मतलब कि कंप्लीटली उसका जो भी रिलेशनशिप होता है बॉडी का एक दूसरे पार्ट से, वो कंप्लीट फ्लेक्शन में होगा, जिसको हम एटीट्यूड कहते हैं। सो एटीट्यूड क्या होगा, फुल फ्लेक्शन का होगा। एंड ठीक है, थाइज़ फ्लेक्स्ड होंगे, बोथ हिप्स फ्लेक्स्ड होंगी, नीज जो है वो भी फ्लेक्स्ड होंगी, तो पूरा फ्लेक्शन का एटीट्यूड शो करेगा, जैसे यहाँ पे ये शो कर रहा है। नेक्स्ट जो प्रेजेंटिंग पार्ट होगा वो क्या होंगे, टू बटक्स होंगे, एक्सटर्नल जेनिटेलिया एंड टू फीट, राइट। तो ये प्रेजेंटिंग पार्ट होंगे, बटक्स आएगा, देन एक्सटर्नल जेनिटेलिया, देन उसके फीट डिलीवर होंगे। सो कंप्लीट ब्रीच का ये डायग्राम आप देखो, इस तरीके से फीटस जो है कि लाई करेगा, और इसके अंदर इस तरीके से लाई करने के बाद क्या होता है कि सैक्रम जो होता है उसका, वो पोस्टीरियर साइड में होता है या फिर एंटीरियर साइड में भी हो सकता है, तो वो उसके हिसाब से वेरी करता है। एंड दिस इज़ द डायग्राम ऑफ फुल फ्लेक्शन। ये फुल फ्लेक्शन का है, फ्लेक्शन इसको ही कहा जाता है कि उसके हाथ दोनों बंधे हुए हों, पैर दोनों मुड़े हुए हों, और जो उसका चिन एरिया है वो चेस्ट से टच हो। तो ये कंप्लीट ब्रीच के अंदर आता है। जो इसके अंदर एंगेजिंग डायमीटर होता है वो होता है बाई ट्रोकेंट्रिक डायमीटर, जो कि होता है 10 सेंटीमीटर का। सो ये जो पोडालिक पोल का डायमीटर होता है इसको हम बाई ट्रोकेंट्रिक डायमीटर बोलते हैं, फीटस का, ठीक है, उसको हम बाई ट्रोकेंट्रिक डायमीटर बोलेंगे, जो कि कितना होता है 10 सेंटीमीटर होता है। सो नेक्स्ट बात करते हैं इनकम्प्लीट ब्रीच की। इनकम्प्लीट ब्रीच के अंदर एक हम होता है, फर्स्ट है दैट इज़ ब्रीच विथ एक्सटेंडेड लेग, जिसको फ्रैंक ब्रीच भी कहते हैं, राइट। क्या कहते हैं, फ्रैंक ब्रीच कहते हैं। सो अगर आप साथ साथ नोट्स बनाओगे तो आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा और अच्छे से समझ आएगा, रनिंग नोट्स दैट यू कैन कैरी, एंड वो इससे आपको समझने में इजी रहेगा, ठीक है। सो बात करते हैं ब्रीच की। तो हम है इनकम्प्लीट ब्रीच पे। इनकम्प्लीट ब्रीच के अंदर एक टाइप है आपका ब्रीच विद एक्सटेंडेड लेग या फिर फ्रैंक ब्रीच, जिसको कहा जाता है। तो जैसे डायग्राम में आप देख सकते हो, जो फीटस होगा उसके लेग क्या होंगे, एक्सटेंड होंगे, फ्लेक्स्ड नहीं होंगे। अभी मैंने आपको फ्लेक्शन दिखाया था, बट इस केस में लेग क्या है, एक्सटेंड है, इस तरीके से एक्सटेंड होते हैं। प्रेजेंटिंग पार्ट इसके अंदर भी बटक्स होता है और एक्सटर्नल जेनिटेलिया होते हैं ओनली, लेग जो उसका फीट होता है वो नहीं होता है। देन कॉमन प्रेजेंटेशन ये प्राइमरी ग्रेविडा में ज़्यादातर देखने को मिलती है, अगर ब्रीच के अंदर बात करें। देन फ्रैंक ब्रीच देखो, डायग्राम इस तरीके से आपको दिखाई देगा, फीटस यूट्रस के अंदर, ठीक है। तो इसको डिलीवर करना कितना डिफिकल्ट होगा, यहाँ से आप खुद ही देख सकते हो। इन सबका मैकेनिज्म ऑफ लेबर भी पढ़ेंगे तब आपको ईजिली समझ आएगा कि वो डिलीवर कैसे करेगा। अभी के लिए जो पोजीशन है उनको हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से होता है फीटस, उसके लेग जो है एक्सटेंडेड होते हैं, हैंड तो फ्लेक्स हो सकते हैं बट लेग्स एक्सटेंडेड होते हैं, राइट।
नेक्स्ट है फुटलिंग ब्रिज. एज अ नेम इंडिकेट, फुटलिंग का क्या मतलब है? फुट, जिसका एक फुट क्या करता है, पैल्विस से बाहर की तरफ आ जाता है. सो बोथ थाइज एंड लेग्स आर पार्शियली एक्सटेंडेड, ब्रिंग द लेग्स टू प्रेजेंट एट ब्रिम. ठीक है, तो इस दोनों लेग भी हो सकता है, एक लेग भी हो सकता है, दोनों लेग पार्शियली या फिर फुली एक्सटेंडेड हो सकते हैं. जैसे इस डायग्राम में देखो, लेग्स क्या है, एक्सटेंडेड है, ये ऐसे फ्लेक्स्ड नहीं है ना, नॉर्मल में फ्लेक्शन था, बट इसमें क्या है, एक्सटेंशन है लेग्स का, नीज का, देन इस तरीके से. सो इस तरीके से है राइट, दोनों लेग्स तो ऐसे ही है. तो ये फुटलिंग ब्रिज के अंदर आएगा. अब पैल्विस के अंदर ये इस तरीके से कुछ दिखेगा. देखो कैसे लग रहा है कि कुर्सी पे बैठा हुआ है ये बच्चा, लेकिन ये क्या है, यूट्रस के अंदर है और ये पैल्विस है. पैल्विस से उसका फुटलिंग ब्रिज है, मतलब एक फुट क्या है, ब्रिम से बाहर आ चुका है, एंड सेकेंड फुट भी एक्सटेंडेड है. नेक्स्ट एक प्रेजेंटेशन होती है, दैट इज़ नी प्रेजेंटेशन राइट. तो नी प्रेजेंटेशन के अंदर जैसे इसका नेम पता चल रहा है, नी, नी का क्या मतलब होता है, घुटना. तो इसका जो नी होगा, नी की तरफ से बेबी आएगा. सो थाइज आर एक्सटेंडेड बट द नीज आर फ्लेक्स. थाइज तो एक्सटेंडेड होंगे लेकिन जो उसके नीज होंगे वो फ्लेक्स होंगे पोस्टीरियर साइड में राइट. सो ब्रिंगिंग द नीज डाउन प्रेजेंट एट द ब्रिम. ये जो डायग्राम आप देख रहे हो इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो ध्यान से इसको, जब देखोगे तो अब आपको दिखेगा कि ये जो नी है ना, ये पहले डिलीवर करने वाला है राइट. पोजिशन ऐसी है तो इसको हम नी प्रेजेंटेशन बोलते हैं. ये नीज है, ये डिलीवर करेंगे पहले. दोनों नीज भी हो सकते हैं और एक नी भी हो सकता है राइट. तो ये वाला पोजिशन जो है, ये नी प्रेजेंटेशन के अंदर आ गया. तो अब बात करते हैं इसके इटियोलॉजी की. सो इटियोलॉजी के अंदर आता है कि किस किस रीज़न की वजह से ऐसा हो सकता है. तो ऐसा हो सकता है, एक तो प्री मेच्योरिटी की वजह से, जो कि मोस्ट कॉमन कॉज है ब्रीच प्रेजेंटेशन के अंदर. देन फेवरेबल एडेप्टेशन के अंदर अगर बात करें तो क्या होगा कि अगर हाइड्रोसिफेलिस है, ठीक है, हाइड्रोसिफेलिस में क्या होता है, हेड का साइज़ जो है था बेबी का बड़ा होता है. तो हेड का साइज़ इतना बड़ा है कि वो पेल्विस में नहीं आपके एंगेज हो पा रहा है, इसीलिए उसके जो बटक्स पार्ट है वो आके एंगेज हो गए. देन प्लेसेंटा प्रीविया है, अगर उस केस में कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है, या फिर अनड्यू मोटेलिटी मोबिलिटी ऑफ द फीटस. ठीक है, अगर मोबिलिटी नहीं कर पा रहे फीटस ज़्यादा मूव नहीं कर पा रहे, लाइक पॉलीहाइड्रोमनियाज है, या ओलिगोहाइड्रोमनियाज में मोस्टली केसेस इसमें देखने को मिलेंगे, ओलिगोहाइड्रोमनियाज या फिर पॉली में भी देखने को मिल सकते हैं. ठीक है, देन मल्टीपैरा है, ठीक है, विथ लैक्स एब्डोमिनल वॉल, देन रिकरेंट ब्रीच. सो दिस इज़ द रिकरेंट ब्रीच. रिकरेंट ब्रीच का क्या मतलब है कि जब कभी लेडी की पहले डिलीवरी हुई है और दो बार या तीन बार उसकी कंटिन्यूस ब्रीच प्रेजेंटेशन ही थी, तो इस बार भी ब्रीच प्रेजेंटेशन है राइट. तो इस केस को हम बोलते हैं रिकरेंट ब्रीच. थ्री या थ्री से ज़्यादा कॉन्सिक्यूटिव प्रेगनेंसी में अगर ब्रीच प्रेजेंटेशन रही है, पहले प्रीवियस हिस्ट्री रही है, तो उसमें ब्रीच प्रेजेंटेशन है. ठीक है, एक तो ये कॉजेस का हो सकता है. देन इसके क्या कॉजेस हो सकते हैं, क्यों ऐसा है रहा है? तो ऐसे इसलिए हो रहा है क्योंकि हो सकता है कि जो यूट्रस है वो कैसा हो, बाई कॉर्न्यूएट यूट्रस हो. सो यूट्रस इज बाई कॉर्न्यूएट हो सकता है, तो इसकी वजह से भी देखने को मिलेगा. नेक्स्ट बात करते हैं डायग्नोसिस की. तो डायग्नोसिस में हम कर सकते हैं क्लिनिकल डायग्नोसिस एंड सोनोग्राफी कर सकते हैं. सो क्लिनिकल डायग्नोसिस के अंदर जो फीचर्स हमें फ्रैंक ब्रीच के अंदर मिलेंगे वो भी मैं थोड़ी देर के बाद बताऊंगी. पहले हम बात करते हैं सोनोग्राफी की. ठीक है, सोनोग्राफी क्या होता है, अल्ट्रासाउंड, एज यू ऑल नो. सो अल्ट्रासाउंड कराएंगे हम लेडी का, तो वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि फीटस को कोई जेनिटल एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, जो भी उसके डायमीटर्स हैं, कौन सा डायमीटर पहले आ रहा है, गेस्टेशनल एज क्या है, ठीक है, प्लेसेंटा कहाँ लोकलाइज है. सो असेसमेंट हमें वहाँ से पूरा मिल जाएगा. क्लिनिकल डायग्नोसिस के अंदर अब हम बात कर लेते हैं, जो वहाँ पे मैंने बोला कि क्लिनिकल करते हैं एंड सोनोग्राफी. तो एक तो क्लिनिकल हो गया, क्लिनिकल के अंदर हम करते हैं पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन. ये किसके अंदर आता है, ये आता है क्लिनिकल एग्जामिनेशन के अंदर राइट. सो क्लिनिकल एग्जामिनेशन के अंदर पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करते हैं हम. पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के जो ग्रिप्स होते हैं ना, वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है. तो ग्रिप्स के लिए एक वीडियो मैंने बना रखा है, उसको आप चेक करके देखो. उसका बटन यहाँ पे आप मिल जाएगा, आई बटन में लिंक मिल जाएगा, यहाँ से भी आप उसको देख सकते हो. ठीक है, तो ग्रिप्स को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो राइट, अब मैं बताती हूँ कि ब्रीच प्रेजेंटेशन में क्या ग्रिप होगा. तो ब्रीच प्रेजेंटेशन के अंदर जब फंडल ग्रिप की बात करें, तो उसमें हेड जो है कैसा फील होगा, आप खुद ही सोचो. हार्ड फील होगा क्योंकि बटक्स जो है वो नीचे की साइड है, ऊपर की साइड क्या है, हेड है. ठीक है, अगर यहाँ पे मैं यूट्रस ड्रॉ करें, ये यूट्रस है सपोज, इसके अंदर हम ड्रॉ कर लेते हैं फीटस. ये फीटस का हेड है, ये फीटस है, और यहाँ पे इसके बटक्स हैं. तो क्योंकि ब्रीच में बटक्स पहले आएंगे, तो बटक्स वाला एरिया सॉफ्ट होगा, ये वाला एरिया हार्ड होगा, तो हार्ड फील होगा. हेड कैसा होगा, बैलोटेबल होगा, क्योंकि हेड क्या करेगा, मूव करेगा यहाँ पर ऐसे, बिकॉज इंगेजमेंट कौन सा डायमीटर हो रहा है, नीचे पॉडालिक पोल इंगेज हो रहा है, तो हेड बैलोटमेंट होगी. लेटरल ग्रिप के अंदर क्या होगा कि
कि एक साइड तो इरेगुलर से लिम्ब फील होंगे, ठीक है, साइड में क्या होगा, इरेगुलर सी लिम्ब्स फील होंगे। देन पेल्विक ग्रिप के अंदर क्या होगा कि ब्रीच जो क्या होगा, सजेस्टेड सॉफ्ट बोर्ड इरेगुलर मास। पेल्विक ग्रिप में क्या देखते हैं हम कि कौन सा पार्ट इंगेज है, तो कौन सा पार्ट इंगेज है ये देखने के लिए क्या होगा कि इरेगुलर मास सा सॉफ्ट सा एरिया फील होगा क्योंकि बटक्स इंगेज है। देन ब्रीच इज यूजली नॉट इंगेज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, राइट। तो फिर FHS कहाँ पर सुनाई देगा, हायर लेवल ऑफ द राउंड ऑफ द अम्बिलिकस, जहाँ पे हायर लेवल होगा उधर सुनाई देगा। अब जो मैंने ये आपको बताया ना, ये सारे मैंने कंप्लीट ब्रीच के बताए हैं, ये मैंने आपको कंप्लीट ब्रीच के अंदर बताए हैं, राइट। तो कंप्लीट ब्रीच के अंदर ये दिखाई देगा, कंप्लीट ब्रीच क्या होता है ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। देन अब हम बात करते हैं अब कि FHS कहाँ सुनाई देगा। सो FHS आपको किधर सुनाई देगा सोचो, ठीक है, सैक्रम वाली पोजीशन है ना, तो इधर यहाँ पर अम्बिलिकस का जो हाई पॉइंट होगा उधर आपको सुनाई देगा, इधर यहाँ पर या यहाँ पर, ठीक है, इधर या इधर, तो कहीं पर भी आपको सुनाई दे सकता है। ये हो गया कंप्लीट ब्रिज। अब बात करते हैं इनकम्प्लीट ब्रिज की, तो इनकम्प्लीट ब्रिज में क्या होता है, फ्रैंक ब्रिज की बात कर रहे हैं इसमें हम। फ्रैंक ब्रिज में क्या था, लेग्स कैसे थे, एक्सटेंडेड थे, राइट, लेग्स एक्सटेंडेड थे। तो हम लेग्स एक्सटेंडेड है तो उस टाइम पे जब हम फंडल ग्रिप की बात करेंगे तो ये फंडल ग्रिप, तो फंडल ग्रिप के अंदर क्या होगा कि इरेगुलर स्मॉल पार्ट फील होगा, राइट, फीट फील होंगे एक साइड में क्योंकि फीट कैसे थे, एक्सटेंडेड थे, और हेड कैसा है, नॉन बैलोटेबल सा फील होगा, राइट। देन लेटरल ग्रिप में क्या फील होगा, इरेगुलर पार्ट्स होंगे, लिम्स फील होगा। पेल्विक ग्रिप में वही कि सॉफ्ट सा मास इंगेज है, कॉनिकल मास फील होगा, ब्रीच यूजुअली इंगेज नहीं होता जल्दी। देन FHS कहाँ पर सुनाई देगी, वहीं पर लोअर लेवल, लोकेटेड एट अ लोअर लेवल इन द मिड लाइन ड्यू टू इंगेजमेंट ऑफ द ब्रीच, अर्ली इंगेजमेंट ऑफ द ब्रीच। देखो इसके ऊपर एक बार मैं आपको ग्रिप्स बता देती हूँ। तो अगर हम कंप्लीट ब्रीच की बात करेंगे, इधर बात करेंगे कंप्लीट ब्रीच की, इधर बात करेंगे फ्रैंक ब्रीच की, राइट। तो कंप्लीट ब्रीच के अंदर क्या हो रहा था, कंप्लीट ब्रीच के अंदर हेड कहाँ पे फील हो रहे थे, इधर, ये आपके हेड फील होंगे। तो हेड वाला एरिया कैसा होगा, बैलोटेबल सा फील होगा, कैसा फील होगा, बैलोटेबल, थोड़ा सा मूवमेंट भी फील होगी यहाँ पे, और हेड क्योंकि एंगेज नहीं है। देन क्या फील होगा, हेड हो गया हार्ड एरिया, इसमें भी सेम हेड यहाँ पर फील होगा फ्रैंक ब्रीच में, बट फ्रैंक ब्रीच में क्या होता है, लेग्स एक्सटेंडेड होते हैं, लेग्स कैसे होते हैं, एक्सटेंडेड होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, देन इसके बाद क्या होगा, अब इसमें हेड इज़ नॉन बैलोटेबल, ठीक है, फ्रैंक ब्रिज के अंदर जो होगा हेड कैसे होंगे, नॉट बैलोटेबल होंगे। नॉन बैलोटेबल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर इसके लेग्स हैं, यहाँ पर इसके लेग्स हैं, तो इसको इतना स्पेस नहीं है कि अपने हेड्स को इतना मूव करे, राइट, हेड इतना मूव है, तो नॉन बैलोटेबल हेड हो गया, एक डिफरेंस ही हो गया। अब लेटरल ग्रिप के अंदर देखें अगर, तो लेटरल ग्रिप में क्या है कि दोनों में इरेगुलर मास फील होगा, ठीक है, ऑन दी अदर साइड, फीटस का बैक एक साइड फील होगा और इरेगुलर मास इस तरफ क्या होगा, फील होगा, अगर इस तरफ वाली पोजीशन है तो इधर फील होगा, राइट। नेक्स्ट पेल्विक ग्रिप के अंदर क्या होगा कि ब्रीच का जो सॉफ्ट पार्ट है, ये वाला सॉफ्ट पार्ट हमें नीचे एंगेजमेंट में सॉफ्ट इरेगुलर सा मास एक फील होगा, इरेगुलर मास फील होगा, इसमें भी सेम होगा लेकिन थोड़ा सा स्मॉल होगा क्योंकि इसमें स्मॉल एंड कॉनिकल मास, ठीक है, स्मॉल एंड कॉनिकल मास, जो उसका सैक्रम होता है ना वो थोड़ा सा फील होगा क्योंकि लेग्स एक्सटेंडेड है, तो उसका ये वाला एरिया ये पॉइंटेड थोड़ा सा हो जाता है, तो इस वजह से, राइट, ये हो गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसकी परवजाइनल एग्जामिनेशन की। तो परवजाइनल एग्जामिनेशन जब करेंगे तो क्या फील होगा सोचो, जो अगर हम कंप्लीट ब्रीज के अंदर परवजाइनल एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो कंप्लीट ब्रीज के अंदर कैसा फील होगा, सॉफ्ट मास फील होगा, बटक्स हैं, है ना, बटक्स हैं, जेनिटल एरिया है, तो सॉफ्ट मास फील होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इसके अंदर फील करेंगे, फ्रैंक ब्रीज के अंदर फील करेंगे, तो थोड़ा सा हार्ड एरिया हमें फील होगा, क्यों, क्योंकि वहाँ पर सैक्रम की वजह से, ठीक है, सैक्रम की वजह से हार्ड एरिया फील होगा, थोड़ा सा हार्ड होगा, जिसको हमें ऐसा लग सकता है कि ये फीट है, मिस्टेक कर सकते हैं हम कि कहीं ये फीट तो नहीं है, बट वो फीट नहीं है, वो क्या है, उसका सैक्रम एरिया है भी फीटस का। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पोजीशंस एंड द परवजाइनल एग्जामिनेशन। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा, अगर समझ आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। एंड या थैंक यू फॉर वॉचिंग।